हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले को कंपेयर करने वाले हैं 60 हर्ट्स वाली डिस्प्ले से। अब दोनों डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि दोनों डिस्प्ले क्वाड एचडी रेजोल्यूशन वाली है। जो लेफ्ट साइड में मेरे पास डिवाइस है वो है सैमसंग गैलेक्सी S10, राइट साइड में है OnePlus 7 Pro। दोनों में क्वाड एचडी डिस्प्ले है और दोनों का रेजोल्यूशन सेम है, बट उस PPI में थोड़ा फर्क है क्योंकि डिस्प्ले साइज में भी फर्क है। अब ऑब्वियस सी बात है, OnePlus 7 Pro की डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो PPI भी स्ट्रेच हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट डिस्प्ले सेम है लेकिन रिफ्रेश रेट बिल्कुल अलग है। तो OnePlus 7 Pro में है 90 हर्ट्स का और इसमें है 60 हर्ट्स का। अब अगर हम गेम्स की बात करें तो मार्केट में अभी दो तीन ही गेम्स हैं जिसपे 90 हर्ट्स सपोर्टेड है, तो ये फ्लिपी नाइफ उनमें से एक गेम है। तो आप लोग देख सकते हो 90 हर्ट्स पे सपोर्ट कर रही है ये OnePlus 7 Pro पे, और क्योंकि S10 में 90 हर्ट्स की डिस्प्ले नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है 60 हर्ट्स पे ही चलेगी। तो आप लोग देख सकते हो एक साइड चल रही है ये गेम 90 हर्ट्स में और एक साइड चल रही है 60 हर्ट्स में। अब क्या एक्चुअल लाइफ में सच में गेमिंग में इतना अंतर आता है कि लोग बोल रहे हैं कि 90 हर्ट्स आपकी दुनिया बदल के रख देगी, 90 हर्ट्स में गेम खेलोगे तो वापस कभी 60 हर्ट्स पे नहीं जाओगे, मतलब 90 हर्ट्स बिल्कुल गेम चेंजिंग है। तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने ही गेम चल रही है, एक साइड चल रही है 90 हर्ट्स पे, एक साइड चल रही है 60 हर्ट्स पे। मैं अपनी ओपिनियन दूं तो थोड़ा सा स्मूथ है, मतलब इतना लंबा स्ट्रेच करके बोल रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग समझ सकते हो, ज़्यादा इतना मुझे फ़र्क नहीं लगा है। आपको कैमरे में तो उतना देखने को भी नहीं लग रहा होगा फ़र्क, ऑलमोस्ट सेम ही गेम चल रही होगी आपके सामने तो। बट अगर आप लोग सामने दोनों फ़ोन को कंपेयर करके देखोगे तो जी हाँ थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब जैसे ये मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस ये भी 90 हर्ट्स को सपोर्ट करती है, तो अगर आपके पास एक 90 हर्ट्स या 120 हर्ट्स वाला डिवाइस है तो लकीली आप इस गेम को इंजॉय कर सकते हैं 90 हर्ट्स में या 120 हर्ट्स अगर आपके पास OnePlus 7 Pro है तो। दोस्तों देख सकते हो जो पंचेस वगैरह लग रहे हैं वो 90 हर्ट्स वाली डिस्प्ले में थोड़े से स्मूथ लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जी हाँ थोड़ी सी गेम ज़्यादा स्मूथ चल रही है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S10। S10 में जब पंच लगता है तो हल्का सा टक से हल्का सा रुकता है फिर वापस आता है, लेकिन OnePlus 7 Pro में जिंग 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 स्मूथ, एकदम स्मूथ गेम चल रही है और देखने में थोड़ी आई प्लीजिंग लग रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 60 हर्ट्स वाली बिल्कुल बेकार लग रही है, भाई 60 हर्ट्स वाली भी उतनी ही अच्छी लग रही है। आपको शायद उतना अंतर ना दिख रहा हो, अब ज़्यादा गेम्स तो सपोर्टेड नहीं है फिलहाल के लिए 90 हर्ट्स पे। मैं पबजी खेलना चाहता था बट पबजी यार दोनों फ़ोनों में सेम ही चलती है क्योंकि पबजी 60 हर्ट्स को ही सपोर्ट करती है, अभी 90 हर्ट्स को सपोर्ट नहीं करती, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अभी आप OnePlus 7 Pro लेने की सोच रहे हो और सोचोगे कि पबजी खेलूंगा भाई 90 हर्ट्स पे, तो नहीं, मज़ा नहीं आ पाएगा क्योंकि अभी सपोर्ट नहीं करती पबजी। तो देख सकते हो रियल लाइफ में मैं ये बोलूँगा, अगर आप रियल लाइफ में इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो भाई एक्सपीरियंस OnePlus 7 Pro पे आपको डेफिनेटली ज़्यादा स्मूदर देखने को मिलेगा अगर आप नॉर्मल UI में इधर उधर छेड़छाड़ करते हो। लेकिन अगर आप गेम्स खेलने वाले हो तो गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा लगता है इतना कुछ लाइफ चेंजिंग या गेम चेंजिंग आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, 60 हर्ट्स वाले पे भी आप उतने ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दीजिए बड़ा सा लाइक, कंपैरिजन पसंद आया तो कमेंट में बताइए कैसा लगा। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ और एक्साइटिंग वीडियो में। जाने से पहले लाइक जरूर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब बटन दबा देना। बाय बाय, थैंक यू।